वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन द इंटरव्यू। इंटरव्यू को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में उन्होंने बात करी है कि इंटरव्यूज़ क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, सोसाइटी में वो क्या रोल प्ले करते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने उम्बर्टो इको नाम के एक व्यक्ति का, एक राइटर का इंटरव्यू छापा है और वो द हिंदू के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो चलिए पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में ये बताया गया है कि 130 साल पहले से जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, वो जर्नलिज्म का एक बहुत ही कॉमन सा हिस्सा है। जो भी लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं। सेलिब्रिटीज़ को, कई सेलिब्रिटीज़ को बार बार उनका रिपीट करके उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके व्यू पॉइंट जाने जाते हैं। लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को विक्टिम्स के तौर पे पाते हैं, जो नहीं चाहते कि उनका इंटरव्यू लिया जाए और वो उस चीज़ को डिस्पाइज करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक अनवांटेड इंट्रूजन है उनकी पर्सनल लाइफ में। और उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ उनकी पर्सनैलिटी को डिमिनिश कर देते हैं या फिर उनकी पोर्ट्रेट को गलत तरीके से शो किया जाता है। वी एस नाइपॉल ने कहा है कि कहीं ना कहीं लोग आघात हो जाते हैं इंटरव्यू से और अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं। लुइस कैरल, जिन्होंने अलाइस इन वंडरलैंड, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बनाया था, वो बोलते हैं कि ही हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं हुए और उनको ऐसा लगता था कि उनको लायनाइज किया जा रहा है और उनको एकदम बंदी बनाया जा रहा है। ही वॉज नेवर रेडी टू गिव एन इंटरव्यू। रुडयार्ड किपलिंग का भी एक मेंशन किया गया है। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत फेमस राइटर, उनके कुछ क्रिएशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उनकी वाइफ कैरोलिन बताती हैं 14 अक्टूबर 1892 को कि जब वो कहीं जा रहे थे तो दो रिपोर्टर्स ने उनका डे ख़राब किया, उनसे एक बाइट लेने के चक्कर में, उनसे इनका इंटरव्यू लेने के चक्कर में। और कहीं ना कहीं जो उनके हस्बैंड थे, मतलब रुडयार्ड किपलिंग थे, ही वॉज वेरी अनॉयड। वो बोले कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ इमोरल। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि रुडयार्ड किपलिंग के ये कह देने के बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं मार्क ट्विन का खुद एक इंटरव्यू लिया था। एच जी वेल्स बताते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। जोसेफ स्टैनली, साउल बेलो, इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ दिए हैं। और इंटरव्यूज़ के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो आजकल हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉमेडी नाइट्स आता है या फिर दूसरे जो शोज़ आते हैं, टॉक शोज़, उनमें इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। अब इस स्टोरी के पार्ट टू की तरफ चलते हैं। तो उसका स्टोरी का पार्ट टू उम्बर्टो इको को डेडिकेटेड है। यहाँ पे मुकुंद पद्माभन नाम के एक इंटरव्यूअर हैं जो हिंदू के लिए काम करते हैं और उम्बर्टो इको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बुलगाना इटली के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर और बहुत ही फेमस एक टीचर है वहाँ पे और वो नॉवेल्स लिखते हैं। तो उनकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत फेमस हो गई है और इसकी 10 मिलियन कॉपीज़ की सक्सेस के चलते उनका एक इंटरव्यू रखा गया। तो यहाँ पे उम्बर्टो इको कहते हैं कि वो अपने एकेडमिक वर्क को परस्यू करना चाहते हैं और वो जो बुक्स लिखते हैं वो नॉन वायलेंस और पीस की समरीज पे लिखते हैं। उनकी बुक्स कहीं ना कहीं एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट की होती हैं और उनको इस बात का भरा डाउट है, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि उनकी बुक सक्सेसफुल कैसे हो गई क्योंकि इस ज़माने में हिस्ट्री और मेटाफिजिक्स को समझना और उसका कॉन्सेप्ट समझना लोगों के बस की बात नहीं है एज पर दी राइटर उम्बर्टो इको, कि हमारी लाइफ एम्प्टी स्पेसेस में वर्कआउट करती है। जैसे जब वो एलिवेटर से ऊपर आ रहे हैं तो उस समय वो एक एम्प्टी स्पेस में काम कर रहे हैं। मुकुंद उनसे बोलते हैं कि आपकी जो ये वर्क है या जो आपके नॉन फिक्शनल राइटिंग है, जो आपके प्लेफुल कैरेक्टर्स हैं या पर्सनल आप जो करते हैं, काफ़ी ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ये आपकी इनफॉर्मल अप्रोच है? जिसके लिए वो ये बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब अपना डॉक्टरेट, अपनी पीएचडी करी, तो उनको ये बोला गया था कि लोग अपने हाइपोथेसिस में चीज़ों को बदल देते हैं, बट उम्बर्टो इको ने कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को उसमें लिखा था, तो वही उनकी नरेटिव टेक्निक बन गई थी। और वो ये भी बताते हैं कि वो नॉवल्स उतना उन्होंने एक्सीडेंट से स्टार्ट किया, उनका कहीं ना कहीं नरेशन में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मुकुंद उनसे अगला सवाल पूछते हैं कि आपकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज़, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई है और आपने 5 नॉवल्स और लिखी हैं और कई सारी उसमें नॉन फिक्शन हैं और कम से कम 20 तो इससे ज़्यादा आपने बुक्स लिखी हैं। तो मुकुंद बताते हैं कि आपने 40 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं सिमियोटिक्स को लेकर। अब ये जो सिमियोटिक्स का टॉपिक होता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ वे इन विच द पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड सिम्बल्स, तो जो लोग संकेतों से, भाषा से बात कर सकते हैं वो। उम्बर्टो के कहते हैं कि हाँ, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जो कि संडेज़ को नॉवल लिखते हैं, ये एक मजाक की बात नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल राइटर के जैसे किसी पेन क्लब के या किसी राइटर्स क्लब के मेंबर नहीं हैं, वो एक सिंपल से प्रोफेसर है जो अपने फ्री टाइम में बुक्स को लिखना या फिर वर्क करना पसंद करते हैं। उम्बर्टो इको
से मुकुंद फिर आगे पूछते हैं कि जो आपकी नॉवल है वो एक डिटेक्टिव यान है, द नेम ऑफ द रोज, उसमें मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड है, मिडिवल हिस्ट्री है, बट उसके बावजूद भी इतनी ह्यूज ऑडियंस इसको कैसे मिली? क्या आपको ये जान के हैरानी हुई कि आपके वर्क को इतने लोग अप्रिशिएट करेंगे? तो उम्बर्टो इको ने कहा, नहीं, जर्नलिस्ट लोग पजल हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि उनकी बुक का सक्सेस का रीज़न क्या था। वो ये कहते हैं कि इस धरती पर 6 बिलियन लोग हैं और नेम ऑफ द रोज सिर्फ 10 या 15 मिलियन कॉपीज़ बिक पाई है, तो कहने के लिए वो एक बहुत छोटी ऑडियंस को टारगेट करके चल रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि अगर ये बुक 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती तो शायद इसके ऑडियंसेस पे क्या फ़र्क पड़ता, भगवान जाने। उसके बाद ये भी बताते हैं कि क्या मुकुंद उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि आपकी स्टोरी का सक्सेस होना मिडिवल हिस्ट्री की वजह से है? तो उम्बर्टो कहते हैं कि जब मैंने अपने अमेरिकन पब्लिशर को अपनी बुक दी थी, उन्होंने कहा कि 3,000 कॉपीज़ से ज़्यादा नहीं बिकेंगी, तो उनको 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया था, बट आयरॉनिकली वो बुक बहुत ज़्यादा बिक गई। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके ज़रूर काम आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।